जब कप्तान रोहित शर्मा से उलझ बैठे कुलदीप यादव, रिव्यू नहीं लेने पर हुई बहस। जी हाँ, चाइना मैन के नाम से पुकारे जाने वाले टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव वैसे आम तौर पर बेहद शांत देखे जाते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन बीती रात वह कुछ अलग मूड में नजर आए। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में जब वह अपने कप्तान को ही लताड़ लगाने के लिए पहुंच गए, यह नजारा इंग्लैंड की बल्लेबाजी के दौरान 24वें ओवर में देखने को मिला। दरअसल 22वें ओवर में कुलदीप की एक गेंद पर लियाम जो है पूरी तरह से चुक गए और यह गेंद पेट पर लगी। कुलदीप ने LBW के लिए जोरदार अपील की। एम्पायर ने यहां पर नॉट आउट का इशारा किया। इसके बाद कुलदीप ने कप्तान रोहित से रिव्यू लेने के लिए भी कहा, लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। बाद में 24वें ओवर में इस गेंद का रिप्लाई दिखाया गया। मैदान पर बड़ी स्क्रीन पर जब रिप्लाई दिखाया गया तो उसमें बताया कि वह साफ तौर पर आउट था। उसके बाद कुलदीप यादव सीधा रोहित के पास पहुंचे, रिव्यू न लेने पर उनसे शिकायत की, जिसके बाद में रोहित भी उन पर गुस्सा होते हुए नजर आए हैं। आखिर में कुलदीप यादव अपनी फील्डिंग पोजीशन पर जो है वापस लौट गए। इस दौरान कमेंटेटर ने भी कहा कि आप कप्तान से बहस नहीं कर सकते, और यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है।